हेलो स्टूडेंट्स, तो एनसीईआरटी बुक का लॉज ऑफ मोशन का 4.15 मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली कैप्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट टाइड टू द एंड्स ऑफ द लाइट स्ट्रिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए बी। ए पर लगाया पहले, फिर बी पर लगाया है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। What is the tension in the string in each case? Okay, तो पहले हम first case discuss करेंगे। यहाँ पर मैंने let किया कि ये मेरे पास एक smooth surface है और ये एक block है, दूसरा block मेरे पास ये है। तो इसको मैं consider कर लेता हूँ कि ये A block है और ये मेरे पास B block है। इसका जो mass है वो है 10 kilogram, इसका mass है 20 kilogram। तो मैंने इस पर फोर्स लगाया तो यहाँ टेंशन आ जाएगी टी। 600 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो अगर इसमें मैं एक्सेलरेशन निकालूँ बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो एफ नेट कितना लगाया बच्चों मैंने, 600 न्यूटन, टोटल मास कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10, ठीक है, 20 है ये, 20 प्लस 10 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ से, 600 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कटेगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बात हो रही है टेंशन की, तो टेंशन के लिए मान लेता हूँ कि मैंने बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो इधर क्या हो जाएगी, इसकी टेंशन हो जाएगी, इधर इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो जो टेंशन आ रही है वो इस एक्सेलरेशन की वजह से तो आ रही है, तो 20 क्या कर देंगे, 20 इंटू ए कर देंगे, तो 20 इंटू 20, यानी टेंशन कितनी आ जाएगी, 400 न्यूटन हमारे पास टेंशन आ जाएगी। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस में ये क्या कह रहा है कि अब जो हमने फोर्स लगाया है वो 20 किलोग्राम वाले पर लगाया है। तो 20 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम, यानी इधर हमने फोर्स लगाया है 600 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन तो वही रहेगा, नेट फोर्स कितना है, 600 अपॉन 30, तो एक्सेलरेशन वही आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं अब टेंशन कैलकुलेट करूं तो मान लो 10 किलोग्राम वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। तो इस पर इधर की तरफ टेंशन आएगी ऐसे टी। तो ये जो टेंशन है वो किसकी वजह से है, एक्सेलरेशन की वजह से है। तो टेंशन कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 10 इंटू क्या हो जाएगा, 20, यानी कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन इस पर टेंशन आ जाएगी, ठीक है।